हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम मुच्छी। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ जिस चीज की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है एम कैफिन की तरफ से नेकेड एंड रॉ कॉफी शैम्पू, कॉफी विथ प्रोटीन। अभी ना ये मेरा हॉट फेवरेट शैम्पू है, और क्यों ये मैं आपको आगे बताती हूँ। ये सल्फेट एंड सिलिकॉन फ्री है, 250 ml का आता है और इसकी प्राइस है 499 यानी कि 499 रुपया, और 2 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है। और ये हेयर फॉल पे काम करता है, हेयर शाफ्ट को नरिश करता है, डीपली क्लींस करता है आपके हेयर को। ये FDA अप्रूव है, SLS फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, और मैं आपको इसके बारे में क्या कहूँ, पैराबिन भी फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। और ये इस तरह का एक बहुत ही मैनली पैकेजिंग में आता है। ये एम कैफिन का जो प्रोडक्ट का पैकेजिंग होता है ना, ये बहुत ही मैनली होता है, देखने में काफी अच्छा भी लगता है, बट इज वेरी मैनली। सो आप देख सकते हैं इस तरह का इंडियाज फर्स्ट कैफेन पर्सनल केयर ब्रांड जो है एम कैफेन। ये लिखते हैं कि ब्यूटी हैज नो कलर नो जेंडर, दैट्स व्हाई इनकी पैकेजिंग इस तरह की होती है। बट हाँ, इसमें काफी फीमेल, मैंने जो फीमेल की चॉइस होती है ना, लाइक ब्लू येलो, उस कलर को भी काफी हद तक यूज किया गया है, बट मेनली ब्लैक है। सो यहाँ पे एक लंबी चौड़ी इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट है जो कि काफी हद तक सेफ है। कॉशन है कि इसे आपको डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना है, बच्चों से दूर रखना है। आपको इस शैम्पू को किस तरह से यूज करना है, जितना अमाउंट आपको चाहिए आप उतना ले, अपने बालों को यूज करें और अपने बालों पे अच्छे से मसाज करें, कुछ देर तक के लिए छोड़ दे, उसके बाद पानी से धो ले। मैं हमेशा ना शैम्पू डायल्यूट करके वाटर के साथ यूज करती हूँ, सो आप चाहे तो ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है और शैम्पू भी डायरेक्ट आपके स्कैल्प को टच नहीं कर पाती है। सो ये हेयर फॉल पे काम करते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस पे रिच फॉर्मुलेट शैम्पू है ये, इसमें कॉफी कंटेंट है। कॉफी एक सुपर फूड कहा जाता है हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। ये हेयर ग्रोथ को भी अपने प्रोमोट करती है, हेयर फॉल को रिड्यूस करती है। इसपे प्रोटीन है, आर्गन ऑयल है जो कि हमारे बालों को बहुत ज्यादा नरिशमेंट देती है, प्योर कॉफी है जो कि डीपली क्लीन करती है डर्ट को। और अगर हमारे बालों पे अगर बिल्डअप है किसी प्रोडक्ट का या किसी चीज का, कोई भी अगर हम मेडीवेडी लगाते हो किसी चीज का भी, तो उसको भी काफी हद तक हटाने में ये मदद करती है। सो मैंने आपको इसके बारे में सब कुछ बता दिया, उसे साइड पे रखकर प्रोडक्ट पे आते हैं। सो ये इस तरह का कुछ दिखता है। सो मेरी एक शैम्पू की वीडियो मेरे चैनल पे है, एंड उस वीडियोस पे मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी के आप ये शैम्पू को कंटिन्यू करोगे या चेंज करोगे, जैसे कि हम यूट्यूबर्स हमेशा अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहते हैं। सो वो कुछ और शैम्पू के बारे में पूछ रही थी, और तब मैंने इसे स्टार्ट किए हुए अप्रोक्स 20 दिन हो चुके थे, तो मैंने उन्हें ये रिकमेंड किया था कि आप ये यूज करें, बहुत अच्छा शैम्पू है। सो आज मैं इसकी रिव्यू करने वाली हूं, और ये कुछ इस तरह का कैप पे आता है, आप देख सकते हैं काफी ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है ये, और बहुत ज्यादा सेफ रहता है। तो ये कुछ इस तरह की दिखती है, एकदम लाइट कैरमेलिश कलर है इसका, एकदम हल्का कैरमेल कलर है। और इसकी जो स्मेल है ना, ये मुझे जिंजर की याद दिलाती है। मैंने इस पे कॉफी का स्मेल नहीं आता, इस पे जिंजर का स्मेल आता है जो कि बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग स्मेल है, बहुत ही ज्यादा सूदिंग स्मेल है, बिल्कुल भी नोज को इरिटेट नहीं करती है। आपने अगर काफी थिक ऑयल यूज किया अपने बालों पे ना, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार अपने बालों पे ये शैम्पू यूज करना पड़ेगा। अगर लाइट ऑयल यूज किया तो 2 बार, अगर कोई ऑयल यूज नहीं किया कि 1 टाइम पे ये जबरदस्त क्लीन कर देता है हेयर को। सो ये क्या काम करता है और इसने मुझे क्या रिजल्ट दिया है। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, ये हेयर फॉल पे सुपरबली काम करता है। अगर आपको माइनर हेयर फॉल है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ कुछ हेयर आपके फॉल हो रहे हैं, लगाओ एकदम मैंने फिक्स कर देगा। अगर आपको एक्सट्रीम हेयर फॉल है, बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम है, तो इसे कंटिन्यूसली यूज कीजिए, बहुत हद तक आपको रिलीफ मिलेगी। सो इस जगह पे मैंने क्लियर कर दिया वो जो डिफरेंस है, माइनर है तो टोटली फिक्स कर देगी, और बहुत ज्यादा मेजर है तो कंटिन्यूअसली यूज करने के बाद आपको काफी अच्छा रिजल्ट इस पे देखेगा। नेक्स्ट है कि ये हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करता है कि नहीं, तो नहीं, हेयर ग्रोथ को प्रोमोट नहीं करता है। हेयर ग्रोथ जो होती है उसमें मुझे इसका कोई भी रिजल्ट नहीं देखा है। नरिश करता है कि नहीं, तो हाँ, काफी हद तक बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगते हैं, सुपर शाइनी सुपर ग्लॉसी भी नहीं लगते हैं, बट हाँ, काफी हद तक नरिशमेंट फील होता है, आपके बाल ऐसे लगते हैं कि हेल्दी है। एक हेल्दी हेयर वाला जो लुक और फीलिंग होता है ना, ये वो आपके बालों को देता है।
कैसा क्लीन करता है? सुपर्ब क्लीन करता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऑयल यूज नहीं किया है, तो सिंगल बार आप शैम्पू करें तो क्लीन हो जाएगा। लाइट ऑयल है तो दो बार, और अगर काफी थिक ऑयल यूज किया आपने तो तीन बार यूज कीजिए। आपके बाल बहुत सुपर डुपर क्लीन हो जाएंगे। काफी हद तक मैंने ये बिल्डअप अगर आपके बालों पे है तो उसको भी ये क्लीन कर देता है, निकालने में बहुत ज्यादा मदद करता है। सो अगर मैं कहूं कि मैं इसे रिपर्चेस करूंगी कि नहीं, सो हाँ, मैं इसे फिर से जरूर परचेस करूंगी और इसे फिर से जरूर यूज करना चाहूंगी। और मैंने क्या कैसा रैंक दूंगी? सो मैं इसे 10 में से 9 दूंगी, क्योंकि वो हेयर ग्रोथ जो प्रमोट करता है वो क्लेम मुझे झूठा लगा है, बाकी तो सब टॉप नॉच है। सो मैं इसे 10 में से 9 दूंगी। उम्मीद है ये छोटी सी रिव्यू आपकी काम आई होगी। प्लीज इसे यूज करके देखिए, आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।